हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कंपटीशन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर हाजिर हूं डेली मॉर्निंग करंट जीके अपडेट्स, जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में। आज 3 अक्टूबर 2018 वार बुधवार। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अन अकेडमी पर मुझे फॉलो कीजिए। अन अकेडमी पर विवेक कुमार के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर आप फॉलो करें और राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ें। इसके साथ ही यदि रिक्रूटमेंट नोटिस करंट अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए यूवी कंपटीशंस इंस्टाग्राम पेज है, उसको फॉलो कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज, राष्ट्रीय समाचारों की। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज अराइव्ड इन न्यू दिल्ली ऑन ए 4-day विजिट टू इंडिया। He will participate in the Mahatma Gandhi International Centennial Convention at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi. संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो ग्यूटेरेस भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुँचे हैं। वह नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता सम्मेलन में भाग लेंगे। उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट शौकत मिर्जी याजव मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट हैदराबाद हाउस इन न्यू दिल्ली। द टू साइड्स टुक स्टॉक ऑफ द बायलेटरल रिलेशनशिप अक्रॉस सेवरल सेक्टर्स ड्यूरिंग द डेलीगेशन लेवल टॉक्स। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जी याजव ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की प्रतिष्ठा ली है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC ब्रॉट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI अंडर द RTI राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। केंद्रीय सूचना आयोग CIC ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI को RTI सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। अपॉइंटमेंट्स नियुक्ति, द सेंट्रल हैज अपॉइंटेड फॉर्मर IAS ऑफिसर रंगाचार्य श्रीधरन एज चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA एन एंटिटी विच विल फंक्शन एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलर फॉर द ऑडिटिंग प्रोफेशन। केंद्र ने पूर्व IAS अधिकारी रंगाचार्य श्रीधरन को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह ऐसी संस्था है जो लेखा परीक्षा पैसे के लिए एक स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करेगी। इंडिया बोर्न हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर गीता गोपीनाथ हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बाय IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लागार्ड। भारत में जन्मी हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर गीता गोपीनाथ को IMF के प्रबंध निदेशक क्रिस्टीन लागार्ड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। डिफेंस न्यूज, सेना समाचार। द सिक्स एडिशन ऑफ IBSAMAR ए जॉइंट मल्टीनेशनल मरीन एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन ब्राजील एंड साउथ अफ्रीकन नेवीज इज बीइंग हेल्ड एट सिमोन्स टाउन साउथ अफ्रीका। IBSAMAR का 6ठा संस्करण भारतीय ब्राजीलियाई और दक्षिण अफ्रीकी नौसेना के बीच संयुक्त मल्टीनेशनल समुद्री अभ्यास दक्षिण अफ्रीका के सीमन स्टाव में आयोजित किया जा रहा है। अवार्ड्स पुरस्कार, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द 2018 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू ऑर्थर एस्किन गेरार्ड मोरू एंड डोनाना स्टिकलैंड फॉर ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ लेजर फिजिक्स। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने लेजर भौतिकी के क्षेत्र में ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कारों के लिए ऑर्थर अस्किन गेरार्ड मोरो और डोना स्ट्रिकलैंड को भौतिकी में 2018 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार, इंपॉर्टेंट न्यूज़, करंट अपडेट्स, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप SSC एग्जाम दो, UPSC दो, RPSC दो, रेलवे दो, बैंक दो, जो भी एग्जाम देते हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कृपया करके यूवी कंपटीशन चैनल को फॉलो करें और यूवी कंपटीशन चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि हमारे वीडियो जो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरीज है वो कमेंट करें
और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जो भी आपकी क्वेरीज है उसको डालें, और यूवी कंपटीशन चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।